आप सब आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पर आपको हेयर कट करके बताऊं। मैं पहले भी करती रही हूँ लेकिन थोड़ा ट्रिमिंग की हद तक करती रही हूँ। आज मैंने कहा मैं प्रॉपर हेयर कट आप खुद कैसे कर सकते हैं बगैर सैलून गए। वीडियो सारी उसके बारे में है और आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है और इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और इसके अलावा शेयर भी करना है इस वीडियो को। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको लेयर्स हेयर कट दिखाऊं, लेकिन देखते हैं कि क्या टर्न आउट होता है। जो मेरे माइंड में जो एक स्केच है क्या मैं वो पूरा कर सकती हूँ कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी कटिंग को स्टार्ट करने से पहले कि मेरी लेंथ, मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइज एंड एवरीथिंग और बहुत हीट जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक स्ट्रेटनिंग करके और यू नो कर्लिंग करके मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। सो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने बालों की लेंथ थोड़ी सी कम करूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम करूँ और स्टाइल के साथ करूँ। तो उसके लिए एक और चीज़ ये है कि आपने जब भी कटिंग करनी है, जो कटिंग करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि आप जो है अपने बालों को फ्रेशली वॉश करें, ठीक है, क्योंकि अगर आपके बाल 2-3 दिन पुराने धुले हुए हैं या उसमें ऑयल आया हुआ है स्कैल्प पे तो कटिंग अच्छी नहीं होगी। सो जब भी आप अगर सैलून भी जाके कटिंग कराते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने बालों को फ्रेशली धोकर जाएँ। मैं यहाँ ड्राई कटिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ वेट कटिंग नहीं कर रही। इट्स अप टू यू। अगर आपको वेट में इजी रहता है तो आप वेट कर सकते हैं, यानी बाल गीले करके पूरा जो जिस तरह आप धोते हैं बाल और उसके बाद, या स्प्रे करके शावर करके और उसके बाद आप उसको बिल्कुल सारी अपनी उलझने बालों में से निकाल लें और उसके बाद जो आप उसको कटिंग की तरफ लेके आएँ। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया है, ड्राई कटिंग करनी है मैंने, तो इसलिए मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया है। स्ट्रेट इसलिए किया है ताकि अगर कोई भी स्ट्रैंड हो तो वो बिल्कुल सीधा हो जाए और फिर बाल जो है छोटे बड़े नहीं होंगे। अगर आप स्ट्रेट कर लेंगे बालों को तो आपकी कटिंग जो है ज़्यादा नीट एंड फिनिश्ड लुक देगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद जो है मैं वॉइस ओवर करूँगी और आप उसमें देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे करती जा रही हूँ। बाकी आई होप मैंने सारा कुछ समझा दिया। अगर कुछ नहीं भी समझाया तो मैं वीडियो के एंड पे आपको समझा दूंगी। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वही बात के लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले जो है आपने बालों को अच्छी तरह से ब्रश कर लेना है। बाल ब्रश हुए हुए होंगे तो जो है कोई उलझन नहीं होगी। उसके बाद आपने सारे बाल पीछे से आगे की तरफ कर लेने हैं और अच्छी तरह से ब्रश कर लेना है। उलझने नहीं होनी चाहिए बालों में। अगर उलझने होंगी, प्रॉपरली बाल ब्रश नहीं होंगे तो कटिंग नीट नहीं होगी आपकी। तो अच्छी तरह से ब्रश कर लें बालों को। अब जो है आपने क्या करना है कि एक रबर बैंड लेना है और वो आगे बांध लेना है, टाई कर लेने अपने सारे बाल जो पीछे से आगे की तरफ किए हैं। सर के बिल्कुल टॉप पे यानी कि माथे के बिल्कुल आगे आपने सारे बाल टाई कर लेने हैं, इससे ग्रिप मिल जाएगी। उसके बाद जो बाल रह गए हैं मैं बाकी के बाल बांधूंगी एक और सेक्शन लेते हुए, यानी एक और पार्ट करते हुए। ये मैं चिन के नीचे ले रही हूँ। उसके बाद तीसरा वो लेना है जिधर तक आपने बाल काटने हैं, जितनी लेंथ आपने काटनी है, ठीक है। तो जितनी लेंथ आपने काटनी है वो आप करके, ये देखिए मैं हाथ ही लग रही हूँ वैसे जितनी लेंथ आपने काटनी है आपने उतना लेना है, उस पर रबर टाई करना है। मैं एप्रन पहन लूँ अपना और बालों को अच्छी तरह से कोम किया और सिज़र ली, कटिंग सिज़र, और जो है इसको आराम आराम से चलाना शुरू किया। मैं थोड़ा सा नीचे से इसलिए काट रही हूँ ताकि लेंथ का मुझे आइडिया हो जाए। मैं लेंथ अपनी शॉर्ट नहीं करना चाह रही। और ये मैंने बाल जो है काट लिए। सीज़र की जो है आप टिप से काटें हमेशा, कभी भी सीज़र के सेंटर से नहीं काटते। टिप से काटेंगे तो कटिंग नीट होगी। और सीज़र जो है वो शार्प होनी चाहिए आपकी, जो भी आप ले रहे हैं कटिंग के लिए। उसके बाद मैं इस तरीके से कर रही हूँ, इससे बालों में टेक्सचर आएगा, बाल विग की तरह नहीं लगेंगे, एक ब्लेंडेड लुक आएगी और एक वॉल्यूम आएगा बालों में। तो जितने आपने काटने आपने अपनी मर्ज़ी से उतने ही काटने। उसके बाद मैंने रबर बैंड खोल लिए हैं, सारे रबर बैंड में उतारूँगी और आपको फिर दिखाऊँगी कि क्या जो है डिफरेंस आया है। ये देख सकते हैं आप कि मेरी कटिंग में स्लैंट आया है, ये लेयर्स आई हैं प्रॉपर। हालांकि मैंने बहुत थोड़ी सी लेंथ काटी है लेकिन फिर भी आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी, एक वी शेप नज़र आ रही होंगी। मेरी इससे पहले बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग थी। मैं जितने भी रफ़ एजेस हैं वो सारे ट्रिम कर रही हूँ, जो भी कोई एक्स्ट्रा बाल निकले हैं वो मैं साइडों से ट्रिम कर रही हूँ। और उसके बाद बालों में वॉल्यूम के लिए टेक्स्चराइजेशन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले बालों को सारों को आगे कर लेंगे और सेक्शन कर लेंगे जितना भी हमने फ्रंट पार्ट से कटिंग हमें जितनी चाहिए। मैं हाफ हेड से ले रही हूँ तो मैं उतना ही सेक्शन करूँगी और पीछे जो है कैचर लगा लिया मैंने, आगे से सारे बाल मैंने सीधी ना करने हैं। आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी सेक्शन है वो नीट हो, जितना नीट होगा उतनी ही कटिंग अच्छी होगी। पीछे से बाल बांध लेने हैं, आगे से फ्रंट से भी पार्टीशन कर लेनी है सेंटर से। अब हमने एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, नीट ट्रायंगल बनाएं और उसके बाद वो बाल आगे कर लें और जो साइडों वाले बाल हैं उनको क्लिप कर लें साइडों पे। ये सेक्शन क्लिप से जो है क्लिप कर लें, अगर नहीं है तो कोई कैचर वगैरह लगा लें और फिर दोबारा जो है आगे कूम करें, ब्रश करें या कूम करें बालों को और उसके बाद इसको एक ट्विस्ट दें, ठीक है। ट्विस्ट दे के फिर आपने इसको ट्रिम कर लेना है जितनी आपने लेंथ काटनी है। आगे से जितने बाल आपने शॉर्ट करने हैं आपने उस हिसाब से करने हैं। उसके बाद उसी तरह टेक्सचर दूंगी मैं बालों में और इसी तरह हमने जो है सेकंड लेयर लेनी है और सेकंड लेयर लेके जितनी आप बारीक लेयर्स लेंगे, जितने आप कम बाल लेंगे, जितने कम सेक्शन लेंगे उतने ही आपकी ज़्यादा लेयर्स आएंगी, ठीक है। जितना आप मोटा रखेंगे उतने आपके यानी कि बड़े स्टेप्स आएंगे। तो आपने अगर ब्लेंडेड सी लुक लेनी है तो आप फिर कम कम छोटे छोटे पार्ट्स लें, थिन पार्ट्स लें और करना आपने वही है कि उसको ट्विस्ट करना है और उसके बाद उसको कट करते जाना है जब तक कि आप अपने जो लास्ट सेक्शन है उधर तक ना पहुंच जाएं। उसी तरह कट करते जाना है टिप से और टेक्सचर देते जाना है बालों में और जितनी भी आपको लेंथ चाहिए वो करते जाना है और आप देखते जाएंगे आपकी कटिंग इतनी नीट होती जाएगी कि आपको हैरानगी होगी कि ये प्रोफेशनल कटिंग जैसे हो रही है वैसे ही हो रही है। और जी हमारी कटिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत इजी वे में किया है। आप छोटे आप उसको ज़्यादा शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं ज़्यादा बाल लेकर और लेंथ ज़्यादा लेकर, लेकिन मैंने जो है थोड़ी ट्रिमिंग टाइप की है और थोड़ा सा जस्ट उसको एक यू नो वॉल्यूम देने के लिए मैंने किया है क्योंकि मैं अपने बालों की लेंथ कम नहीं करना चाह रही थी और उसमें जस्ट स्टाइल और वॉल्यूम ऐड करना चाह रही थी, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ थोड़ी लेयर्स दी हैं। मैं थोड़ा सा आपको यूं करके दिखाती हूँ क्योंकि कैमरे में फ्रेम में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि मेरी जो पहली लेयर है वो ये है, ठीक है, और मेरी ये देखेंगे यूँ जा रही है, ठीक है। तो अभी मैं इसको स्टाइल करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि अभी ये बाल स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट बालों में लेयर्स नज़र नहीं आते यूजुअली और तो मैं ये आपको जो है इसको स्टाइल करके तो फिर दिखाती हूँ कि हमारी लेयर्स किस तरह से रही है। बट फ़िलहाल क्या तो वो लोग जो जिनको ये होता है कि जी हमें स्टाइल भी चाहिए बालों में और लेंथ भी कम ना हो तो वो ये हेयर कट जो है ट्राई कर सकते हैं और अब मैं आपको स्टाइल करके दिखाती हूँ। जी फाइनली ये है जी हेयर कट और इसकी फाइनल लुक मैंने स्टाइल किया है। इसको आप देख सकते हैं ये लेयर्स आ रही हैं, लंबे बाल हैं नीचे तक हैं तो मैं दिखा नहीं पा रही, स्क्रीन में फिट नहीं हो पा रही, अदरवाइज़ मैं आपको लाइक दिखाती, लेकिन मैं एक आफ्टर एंड बिफोर पिक ज़रूर अपलोड कर दूँगी। और ये देख सकते हैं आपके कितने अच्छे से ये लेयर्स आए हैं बालों में, ठीक है। तो बहुत ही ईजी वे है, आप लोग जो है कर सकते हैं। जितना शॉर्ट करना है वो आपके ऊपर है लेकिन जितना आप लेंथी रखना चाह रहे हैं वो आप लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे नहीं जाने से पहले मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। क्या आप इस हेयर कर्लिंग का ट्यूटोरियल लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस मेकअप लुक का ट्यूटोरियल लेना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और इसके साथ साथ